अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम जा रहे हैं रुस्तम हिंद इमाम बख्श पहलवान, रुस्तम जमां भोलू पहलवान और रुस्तम पाकिस्तान झारा पहलवान के अखाड़े पर। यह अखाड़ा दाता दरबार के करीब मोहिनी रोड पर वाक़ है। आज हम आपको इस अखाड़े का विज़िट कराएँगे कि यह अखाड़ा आज कल किस हालत में मौजूद है। जब मैं इस अखाड़े पर पहुंचा तो इस अखाड़े की हालत देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ये अखाड़ा अब एक कब्रिस्तान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वो तमाम पहलवान जो इस अखाड़े पर ज़ोर किया करते थे, आज उनकी कब्रें इस अखाड़े पर मौजूद हैं, जिनमें रुस्तम जमां भोलू पहलवान, रुस्तम पाकिस्तान झारा पहलवान, शेर पाकिस्तान अच्छा पहलवान, रुस्तम कोल्हापुर गोगा पहलवान, शेर बब्बर अक्की पहलवान और आज़म पहलवान इसी अखाड़े पर आराम फरमा रहे हैं। इस अखाड़े की हालत को देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि यह अखाड़ा पूरे पाकिस्तान के अखाड़ों का मरकज़ था। इस अखाड़े से ही पूरे पाकिस्तान की पहलवानी रवां दवां थी। आज वही अखाड़ा वीरान पड़ा है। इन तमाम पहलवानों में, जिनमें रुस्तम जमां भोलू पहलवान, रुस्तम पाकिस्तान झारा पहलवान ने पूरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और एक पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में पेश किया। पूरे पाकिस्तान को इन पर नाज था। इस अखाड़े की हदूद ख़त्म कर दी गई हैं। इस अखाड़े पर थोड़ा सा आज भी वो सामान मौजूद है जो रुस्तम पाकिस्तान झारा पहलवान और शेर बब्बर अक्की पहलवान और तमाम पहलवान इस्तेमाल किया करते थे, जिनमें वो पत्थर भी मौजूद है जो रुस्तम पाकिस्तान झारा पहलवान और शेर बब्बर अक्की पहलवान उठाया करते थे, और वो सुहागा भी मौजूद है जिससे ये अखाड़े के ऊपर फेरते थे। बाकी तमाम सामान लाहौर के मुख्तलिफ अखाड़े वाले जहाँ से ले गए हैं, ये वही अखाड़ा है जहाँ पर लोग टिकट भर कर पहलवानों के ज़ोर देखने आया करते थे। आज ये वीरान पड़ा है। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इन पहलवानों की मगफरत के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। देखिए, बात ये है, जिस घर के अंदर 200 साल से, दो तिहाई सदियों से ये काम चला आ रहा हो और उसके ऊपर पूरी बरतरी हासिल हो और अल्लाह ताला ने उस फन के अबूर रखने वालों को बेतहा अरूज पे पहुँचाया हो और पूरी दुनिया में उनका नाम हो, लोहा मनवाया हो, और फिर आपको ये नज़र आए कि उस फन का और उस घर से कोई ताल्लुक ही ना रहा हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो दुख तो होगा। हमें भी दुख हुआ, बहुत दुख हुआ।